नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग क्वेरी करते हैं, क्या कुछ SP-125 में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या कुछ शिकायत हमें देखने को मिल रही है SP-125 BS6 2021 मॉडल से। ये सेम प्रॉब्लम 2019 मॉडल में देखने को मिलता था, 2020 में भी देखने को मिला, और अब ये 2021 मॉडल में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या ये ऐसी प्रॉब्लम रहनी है जो तीनों साल वाले मॉडल में देखने को मिल रहा है? आज मैं आपको इस वीडियो में इससे पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे जो लोग भी हमारे नए हैं, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे कोई भी बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कुछ आपको SP-125 में एड ऑन करना चाहिए कंपनी को, क्या कुछ नया आपको SP-125 में कंपनी को जोड़ना चाहिए ताकि बाइक और बेहतर हो जाए और पहले से और अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम SP-125 की बात कर लें तो आपको पता ही है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बन चुकी है 125C सेगमेंट में। 125C सेगमेंट में इस बाइक का बहुत अच्छा नाम हो चुका है और बहुत अच्छी डिमांडिंग बाइक बन चुकी है, क्योंकि जो आपको गाड़ी माइलेज, जो आपको गाड़ी परफॉर्मेंस ओवरऑल निकाल के दे रही है, एक बहुत अच्छा निकाल के दे रही है। प्राइसिंग की सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ क्या कुछ इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। लगभग 96,000 के आसपास इसकी ड्रम वेरिएंट जो हमारे पास करेंटली अवेलेबल है ऑन रोड पड़ती है, और डिस्क इसकी 1,00,000 के आसपास ऑन रोड पड़ती है। बाकी आप लोग अपने नियर बाई शोरूम में एक बार बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो बाइक से जो मेनली एक प्रॉब्लम देखने को मिली है, जो हमें 2019 के मॉडल में देखने को मिला, जो 2020 के मिला और 21 के भी मिल रहा है, वो इसके गियर फंसने की प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, गियर फंसने की प्रॉब्लम इसमें कंटिन्यूसली आ रही है। तीनों साल के वारंटी में हमको ये गियर फंसने की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके पास ये बाइक है और आपको भी कुछ ऐसी शिकायत आ रही है तो बिल्कुल आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताइएगा। बाकी इसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। क्योंकि जो गियर फंसने का प्रॉब्लम है, ये मेनली हमें होंडा SP के सारे एडिशन में देखने को मिला है। ऐसा नहीं मैं पहले पर्टिकुलर सोचा था कि जो मैंने बाइक परचेस की है 2019 मॉडल उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 2020 के मॉडल देखने को मिला और ये हमारे पास 2021 की ऑल न्यू BS6 मॉडल अवेलेबल है। लगभग इस गाड़ी को 3 से 4 महीने हो रहे हैं, लगभग 5,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है, तो इसमें भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं सोचा आपको एक वीडियो बना के पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। तो कोशिश हमने बहुत की कैसे इसे दूर करें, इसमें हमने ऑयल भी फिलअप करवाया लेकिन अभी तक कोई भी इससे सॉल्यूशन नहीं निकला है। उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम की बात कर लें जो इस गाड़ी में आपको मेनली देखने को मिल जाती है, इसके टायर के देखने को मिल जाती है। इसका अगर बैक में टायर साइज की बात कर लें तो बैक में आपको 80x100 18 इंच ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। बैक और फ्रंट में दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल टायर की साइज दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा बहुत ग्रिप और इशू वाइज प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। कभी कभी इसका टायर स्किड कर जाता है, तो ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करिएगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो 50+ ना जाएं, 50-60 आराम से उसके ऊपर आप ना जाएं। उसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ा आपको स्टेबिलिटीज वाइज इशू आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि अभी गाड़ी स्किड करे, या आपको एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जो कि आपको इसमें दूसरी प्रॉब्लम रहने वाली है जो कि आपको SP-125 में देखने को मिल सकती है। अगर आप SP-125 रखे हैं तो जरूर, अगर आप में कोई और दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में से जरूर शेयर करिएगा क्या कुछ आपको और दिक्कत परेशानी आ रही है। ओवरऑल बैक में आपको हाइड्रोलिक, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, तो कंफर्टेबल राइड आप इस गाड़ी से बहुत इजीली और आराम से कर सकते हैं। कंफर्टेबल राइड वाइज कोई भी आपको इसमें शिकायत या प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। ओवरऑल सीट में अच्छी कुशनिंग बिल्कुल आपको कंपनी द्वारा की गई है। क्यों मैं फर्दर मूव करने से पहले मैं आज आपको बता जा रहा हूँ मार्स बाई GSC की इस स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में जो मुझे मार्स बाई GSC कंपनी की तरफ से सेंड किया गया है। आप लोग ओवरऑल इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग की गई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी द्वारा मुझे सेंड किया गया है। तो आज आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्या कुछ हमें इसमें बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो पहला ये देख सकते हैं, पहला आपको ये देखने को मिल जाता है ये कंटेंट, इसमें आपको ग्लो स्किन का सीरम आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको स्किन पर अप्लाई करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दूसरा ये देख सकते हैं बहुत अच्छी पैकेजिंग देखने को मिलती है, इसमें आपको जेड रोलर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी स्किन को अच्छा स्मूथ बना सकते हैं और आपको स्किन के हेल्दी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। ये देख सकते हैं, ये आपको जेड रोलर इसका देखने को मिल जाता है। प्रोडक्ट की बात कर लें क्या देखने को मिल जाता है, तो ये आपका रहने वाला मेन यूटी जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ग्लो सीरम रहने वाला है, मार्स बाई GSC कंपनी तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर लें क्या कुछ आपका ये हेल्प करने वाला है, तो मान लीजिए अगर चेहरे पर कहीं भी डार्कनेस है, कहीं भी आपके चेहरे पर कुछ भी स्पॉट है तो उसको ये दूर करेगा, आपके चेहरे को ही नेचुरली ग्लो करने में बहुत ही हेल्पफुल करने वाला, मदद आपका चेहरा जो है वो नेचुरली ग्लो करेगा और आपका चेहरा पहले से देखने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है आपके फेस के ग्लो में ये बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बात कर लें क्या कुछ इंडिकेटर से बना है, क्या कुछ इसमें यूज़ किया गया है जिसके थ्रू ये बना है। सबसे पहले बात कर लें तो इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया गया, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके बिल्कुल चीज़ें देख सकते हैं क्या कुछ यूज़ किया गया है। मुल्तानी मिट्टी का फर्स्ट इसमें यूज़ किया गया है, जानते ही ये एकदम नेचुरल चीज़ है जो कि आपके चेहरे के ग्लो में बहुत हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी, ये भी आपके फेस के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपके फेस के ग्लो में बहुत हेल्पफुल मदद करेगा और आपका फेस और अच्छा और शाइनी दिखेगा। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जो कि एक और अच्छी बात है। आपको पता है ये सारी तीनों जो चीज़ें बताती हैं ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं,
उसके बाद कोका बटर यूज़ किया गया है जो कि एक और बहुत ही अच्छा चीज़ है, और आपके चेहरे की जो ग्लो है वो आपको पहले से ज़्यादा बेटर दिखेगी। उसे बात कर लें बॉक्स में क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके बॉक्स को अगर मैं ओपन करूँ तो आपको मैं दिखा दूँ क्या कुछ देखने को मिल जाता है आपके बॉक्स में। तो आपके बॉक्स में ये देख सकते हैं मेनली आपको ये जो बॉटल ये देखने को मिल जाती है 30 ml की, और इसमें आपको यहाँ पे जो ड्रॉपर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आपको ये ड्रॉपर देखने को मिल जाता है। इसकी स्मेल एंड फ्रेगरेंस की बात करें तो टोटल आपको ये रोज़ की जो स्मेल आती है टोटल आपको रोज़ वाली स्मेल देखने को मिलने वाला है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको बस अपने फेस पे ऐसे एक ड्रॉप निकालना है और उसको ऐसे रब करके बहुत ईजिली आप देख सकते हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एकदम लाइट है और आपको कुछ भी ज़्यादा महसूस नहीं होगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके चेहरे को बहुत ही हेल्पफुल मदद करेगा और आपका चेहरा बहुत ही अच्छा खासा ग्लो करने वाला है। ये आपको फर्स्ट चीज़ देखने को मिल जाता है इस बॉक्स कंटेंट में। उसके बात कर लें तो दूसरा जो हमारे पास कंटेंट देखने को मिल जाता है वो ये देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बात कर लें क्या कुछ है, तो इसके अंदर आपको ये जेड रोलर देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने फेस पे मसाजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका जब फेस में कहीं भी डलनेस या स्किन में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम इशू है तो वो ये दूर करने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो ये देख सकते हैं ये आपका बॉक्स कंटेंट रहने वाला है, इसको आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं और आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपको दो मेन चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए अगर आपके चेहरे में कहीं भी डलनेस है, कहीं भी कोई इशू या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा और अच्छा ग्लो करे और आपके जो बाहर के जो पॉल्यूशन उससे आप दूर रहें, तो बिल्कुल आप लोग इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बिल्कुल जाके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग इस प्रोडक्ट को। आपको ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ये जो मार्स बाई GSC कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट आपका रहने वाला है, देख सकते हैं मार्स बाई GSC कंपनी का, तो इस पर भी आप जाके बाई कर सकते हैं, आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो आपको 20-30% का बिल्कुल आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल गो एंड चेकआउट, आप लोग जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। अभी तक मुझे फ्रेगनेंस आ रही और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल तो कंफर्टेबल है डिवाइस, कोई भी आपको इसमें इशू या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके मीटर कंसोल में थोड़ी बहुत एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है। तो ये कंपनी को ये मैं सजेस्ट करूंगा कंपनी को ही दूर करनी चाहिए, थोड़ा बहुत इसका मीटर कंसोल जो है वो एक्यूरेट नहीं है। कि बहुत लोग कहना क्योंकि गाड़ी में 70+ माइलेज शो करता है लेकिन उनकी गाड़ी रियलिटी में 70+ माइलेज नहीं दे रही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। बाकी कंपनी को अगर ऐड ऑन बात कर लें क्या कुछ इसमें ऐड ऑन कर लेना चाहिए, तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर बिल्कुल कंपनी इसमें दे सकती है क्योंकि आज की डेट में एक सेफ्टी वाइज ही बहुत अच्छा फीचर है, और कंपनी अपने ऑलरेडी 125cc एक्टिवा में ऑफर करती है होंडा कंपनी, तो बिल्कुल आप होंडा को यहाँ भी बिल्कुल ऑफर करना चाहिए था। क्योंकि इस गाड़ी की बात करें तो लगभग 1 lakh के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइसिंग पड़ जाती है, तो 1 lakh में आपको ये सेफ्टी फीचर्स वाइज एक तो कंपनी को बिल्कुल ये चीज़ देनी चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत सही गाड़ी है, ओवरऑल हमने आपको बता दिया जो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मेनली गियर फंसने की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा शिकायत आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो टायर है उससे एक हमें इशू देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कंपनी इसमें एक 90x100 का एक टायर साइज ला के एक नया इसमें मॉडल एडिशन कुछ ला सकती है जिसमें जो टायर साइज रहेगा वो 90x100 का रहेगा। तो थोड़ा बहुत उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जिन लोगों को थोड़ा स्टेबिलिटी वाइज कोई दिक्कत आ रही है, जिनको थोड़ा ग्रिप वाइज दिक्कत आ रही है, तो वो उस मॉडल को बिल्कुल बाई कर सकेंगे। बाकी थोड़ा बहुत उसमें माइलेज 2-4 किलोमीटर तक का माइलेज ड्रॉप डाउन हो सकता है। उसके बाद मीटर कंसोल में थोड़ा बहुत और एक्यूरेसी हो सकती है, बाकी ओवरऑल कोई इसमें शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत इंजन हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है, बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत सही है। ऐसा कोई मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है वो गियर फंसने की आ रही है, बाकी ओवरऑल गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अगर सोच रहे हैं SP125 प्लान कर रहे हैं लेने का, तो बिल्कुल आप लोग इस बाइक को जरूर परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल आज की डेट में सबसे अच्छी बाइक इसलिए है कि इसमें जो माइलेज देखने को मिलता है वो बहुत ही बेस्ट माइलेज कंपनी आपको इसमें निकाल के देती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत सही है, ESP टेक्नोलॉजी, साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिल जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात इस बाइक की रहने वाली है। तो मैं होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और वैसी डिटेल्ड वीडियो लेके आता रहूं। अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन से जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इसका मीटर कंसोल आप लोग देख सकते हैं, बहुत सही मीटर कंसोल इसका रहने वाला है।